हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकुस के मुताबिक उसका 10वां बाब 28 से 31 आयत तक। और पत्रस उससे कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी जमाने में 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माओ और बाल बच्चों और खेतों को कस्तियों के साथ और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी, लेकिन बतेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं अव्वल। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ये कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। यीशु ने वादा किया कि जो लोग मेरी और अंजील की खातिर सब कुछ छोड़ देंगे, उनको इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी अजर मिलेगा। इसके बाद खुदावन ने खबरदार भी किया कि लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। शागिर्दियत की राह पर बहुत उम्दा आगाज कर लेना ही काफी नहीं, बल्कि अहमियत इस बात को है कि हम दौड़ को ख़त्म कैसे करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वफादारी और जान निसारी के साथ चलने का वादा करते हैं, मगर मसीह के नाम की खातिर खुद इनकारी और जान निसारी पर पूरे तौर पर कायम रहने वाले थोड़े ही निकलते हैं। और बास जो पसमानदा लगते हैं या जिनकी जान निसारी मशकूक मालूम होती है, वो मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में सच्चे और खुद को कुर्बान करने वाले साबित होते हैं। Radio Veritas Asia.